कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। रिव्यू से मतलब डिमांडिंग वीडियो थी। हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स में से एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर HFCL के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपको पूरा इसके अंदर अपनी एनालिसिस बताने वाला हूँ, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, या फिर आपको कहाँ पर इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर अभी इसे अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग सीधा से समझ लो कि जो HFCL है ये भी जल्दी में काफ़ी ज़्यादा भाग गया। भाई भागने से मतलब क्या होता है कि आप लोग समझ सकते हो, एक स्टॉक 50 रुपये के आसपास था, उसके बाद ये दुगना के आसपास हो गया। तो देखो आप सीधा सा मान लो इसमें अभी एक बाइंग तो छोड़ दो, भूल जाओ। देखो जो लोग नए लोग होते हैं बेचारे, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, बट मैं आपको एज ए भाई समझ लो, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, या एज ए सर कुछ भी समझ लो आप, मैं आपको जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ। मार्केट में कभी टॉप पर बाय मत करना। मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक है, 5-6-7 हज़ार, मतलब जितने भी बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है, कमी नहीं है अपॉर्चुनिटी की। एक इस शेयर के अंदर मत बाइंग बनाओ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, क्योंकि मान के चलो अगर आपने इसके अंदर यहाँ बाइंग बना ली तो जो से टेक्निकल बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, प्रॉफिट बुक करते करते 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है ना भाई। तो थोड़ा सा छोड़ दो उस काम को। आप लोग जब 10-15% पैनिक देखोगे ना, डाउन होता हुआ, तो आप अपना आप रो दोगे, फिर बोलोगे मार्केट लॉस दे गया। तो समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है, अब इसमें एंट्री मत करना। अब ये उड़े चाहे, मैं कह रहा हूँ 100 पार हो जाए, बट अब आप एक चीज़ समझो ना, ट्रैप से बच जाओगे, क्योंकि वो ट्रैप ही होगा ना, एकदम से शेयर इतना भाग रहा है। समझ लो कंपनी ने काम अच्छा करा है, समझ में आ रहा है, बट कुछ ऐसा नहीं करा कि सोना बना दिया है, सोने बनाने की कोई मशीन बना दी कि रातों रात इसका स्टॉक 100% हो गया। 100% का मतलब समझ रहे हो आप लोग, कैपिटल अगर इनकी 12,000 करोड़ की कंपनी थी तो 24,000 करोड़ हो गया। ऐसा कैसा हो जाएगा आप ही सोचो लॉजिक से। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, एशिया की नंबर वन मान सकते हो, उसका तो आज तक ऐसा शेयर नहीं भागा। बाकी आप लोग कुछ रीज़न है, अपने आप लॉजिक से सोचना। बाकी इसकी अब देखो ये रेंज रहने वाली है अपने आप में, जब तक इस रेंज के अंदर फंसा रहेगा ये स्टॉक यहीं कंसोलिडेट होगा। उसके बाद एक नीचे की प्रॉफिट बुकिंग वाली, मतलब लोगों को ट्रैप करने वाली, लोगों के एग्जिट कराने वाली लाइन आएगी, वही आपकी बाइंग की होगी। और मैं आपको बता देता हूँ बाइंग की कहूँगी 75 से बोल सकते हो, मोटा मोटा 70 वाली लाइन होगी, वो आपकी बाइंग की होगी। इससे पहले बाइंग मत डालना, अगर 80 के आसपास बाइंग डालोगे तो फंस सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो करता है जो आप लोग नहीं सोचते। तो बाकी आपको मैं रेंजेस की बता चुका हूँ, इसके ऊपर भी आप लोग जब ये अपना ऑल टाइम हाई छोड़ दे तो उसके ऊपर ही बाई कर सकते हो, मूवमेंट मिल जाएगी आपको आराम से 4-5% की। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट बोलूँगा रिस्की ट्रेड होगी। जो लोग HFCL में लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बट थोड़ा यही बोलूँगा जो बड़ी कंपनी जिसमें निवेश करते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना भाई। फ्यूचर रिटेल वगैरह आप लोग समझ ही रहे होगे, काफ़ी सारे शेयर रिलायंस ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है अपना नाम देकर। तो बाकी आप लोग समझदार हो, उनके नाम पर मत जाओ, उनका काम देखो। बाकी HFCL क्या करती है, ये ऑप्टिक फाइबर ये केबल प्रोवाइड करती है, मतलब सप्लाई करती है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। तो कहीं ना कहीं इनका OFC केबल बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, वाईफाई वगैरह का इनका केबल यूज़ होता है, तो इसीलिए ये स्टॉक लगातार भाग रहा है, क्योंकि भाई 5G समझ ही रहे हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हो। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर रहे हो मिस, क्योंकि मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। HFCL जैसे शेयर भागेंगे पता नहीं चलेगा आपको 1-2 साल में, यहाँ पर आप जाओगे 1-3 दिन के अंदर 5-10% की मैं डिलीवरी कॉल दूंगा ओपन चैलेंज के साथ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जो मैं इतने बोलता हूँ मेहनत करके, जो आप लोग सब लोग कमा रहे हैं फ्री का, तो आप लोग भी कमाओ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या टेलीग्राम पर जाना, सुमित स्टॉक मैजिक को सर्च करना, देन ज्वाइन कर लेना। अभी आप लोग देखोगे स्टॉक PB का बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, इसलिए भी मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ। बाकी देखो कंपनी की सेल लगातार बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, कंपनी का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, सेल भी लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। OPM और इसका नेट प्रॉफिट भी देखो लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है लॉन्ग टर्म के अंदर भी। और प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो थोड़ी सी कम है, 42% के आसपास है। बाकी पब्लिक से देखो माल छीना गया था भी, चाहे वो 0.40 हो या फिर 0.50% हो, देखो छीना तो गया है ना, और यहाँ पर थोड़े से स्टेक बढ़ाए गए हैं FII द्वारा, तो बोल सकते हो ये प्लस पॉइंट था कंपनी के लिए, पब्लिक से माल लिया। बट कहीं ना कहीं अभी भी प्रमोटर के पास बहुत कम शेयर है, तो थोड़ा सा ये भी स्टॉक को थोड़ा सा रिस्की बना देता है इस लेवल के अंदर। तो यही बोलूँगा लॉन्ग टर्म लेना चाहते हो ले सकते हो, बट एक बार अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि मेरा मानना है जब एक बार कोई स्टॉक ज़्यादा भाग जाता है तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में स्टॉकों की कोई कमी नहीं है, और एंट्री में आपको इसकी बता ही चुका हूँ। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।